हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोनसाई ट्री लैंप के बारे में, और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये लैंप आपको लेना चाहिए कि नहीं और क्या क्या फंक्शन है। मैंने ये ट्री अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और वो आज आ गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही और अनबॉक्सिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। और बॉक्स के ऊपर आपको सारी डिटेल्स बताई हुई हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या आया है बॉक्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले मिला है लैंप, अभी लैंप को रखते हैं साइड में, और ये है स्टैंड। साथ में मिली है यूएसबी पावर केबल। सबसे पहले देखते हैं लैंप के स्टैंड को, जो बना है प्लास्टिक से। पीछे आपको बैटरी का पैनल मिलता है जहाँ पर आप 3 AA बैटरी लगा सकते हैं। बैटरी आप रिचार्जेबल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप पावर केबल से ही लैंप को यूज़ करें ज़्यादा देन बैटरी से। साइड में पावर पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर लगेगी पावर केबल। आप लैंप को डायरेक्ट किसी भी USB चार्जर, पावर बैंक और लैपटॉप से यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा ट्री जो बिल्कुल फोल्ड होकर आया है, जो आपको खुद ही DIY करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से ट्री को अरेंज कर सकते हैं, और कैसे अरेंज कर सकते हैं आपको दिखाऊंगा, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसके बल्ब को काउंट किया है, क्योंकि बॉक्स के ऊपर 36 बल्ब बताया हुआ है और रियल में भी 36 बल्ब ही हैं। हर एक ब्रांच पर 6 बल्ब हैं। जब मैं लैंप को जलाऊंगा तो आई होप सारे बल्ब जलने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। चलिए सबसे पहले ट्री को अरेंज करते हैं और साथ साथ में मैं आपको लैंप की डिटेल्स भी देता हूं। दोस्तों, आपको लैंप में 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक जो हमने लिया है 36 बल्ब का, दूसरा आता है 72 बल्ब का, और तीसरा आता है 108 बल्ब का। और ये लैंप वार्म वाइट कलर में आता है और LED बल्ब मिलते हैं जो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। बेस मटेरियल वुड है, शेप है ट्री की, लैंप वाटरप्रूफ है और वेट है 300 ग्राम्स और हाइट है 20 सेंटीमीटर। ट्री हो गया रेडी, अब लगाते हैं स्टैंड पर। ट्री को स्टैंड पर लगाकर हल्का सा पुश कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे। लैंप को ऑन करने के लिए आपको टच बटन पर फिंगर रखनी है और बस लैंप ऑन हो जाएगा। लैंप में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक बार प्रेस करने पर लाइट ऑन रहती है और दूसरी बार प्रेस करने पर लाइट ब्लिंक करती रहती है और तीसरी बार पर लैंप बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये चलने के बाद कुछ इस तरह का लगता है, काफ़ी एलिगेंट है और काफ़ी खूबसूरत है। और अच्छी बात ये है, लैंप में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, बैटरी और USB, और आप लैंप को स्टडी लैंप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लाइट काफ़ी ही ज़्यादा ब्राइट है। आप डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप लैंप को ड्राइंग रूम, बेडरूम, डिनर टेबल, सेंटर टेबल और कार में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देख लिया है और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है लैंप के बारे में। ये लैंप मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, आप ले सकते हैं अगर आप कुछ लैंप के लिए या गिफ्ट पर्पज़ के लिए ढूंढ रहे हैं। ये मैंने लिया है 699 रुपीज़ में। आपको भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।